रंगरे पापा लाए हैं मछली, सोनम का कल परीक्षा है इसके लिए सोनम को मछली खिलाएंगे। हाँ फिर हमको पढ़ाई भी करना है, मछली का भरोसे नहीं रहना है। हर दिन वो कच्चा तरह से मिला लेंगे, कंट्रोल अच्छा तरह से मिला लिए मछली को। देखिए अभी ताई में तेल भी गर्म हो गया, अब यहाँ दे देंगे मछली को। मछली कितने दिन आ रहा है देखिए, देखिए फ्राई किया हुआ है एकदम पूरा क्रंची है एकदम, इसको डाल देते हैं। वाह ये बन रहा है हम लोग का मछली करी, ये देखिए तो हम लोग का मछली भात लग गया है दोस्तों, ये देखिए, और साथ में धनिया का चटनी भी लगा हुआ है। हेलो दोस्तों, प्यार भरा नमस्कार, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने अपने काम में खुश रहे। दोस्तों शाम हो चुका है, शाम शाम देखिए खाना बनाने आए हैं। तो देखिए वो भैया देखे रंगीला पापा रंगीला पापा लाए हैं मछली, सोनम का कल परीक्षा है इसके लिए सोनम को मछली खिलाएंगे। क्योंकि यहाँ माना जाता है दोस्तों कि ना परीक्षा के दिन अगर उसका रात में अगर मछली खा के जाइएगा ना तो शगुन बनता है, अच्छा से एग्जाम दे पाएंगे, इसीलिए भैया मछली लाए हैं। देखिए पूरा एकदम ताजा मछली है एकदम, देखिए कैसे चूहा गुच रहा है, अभी ये भाभी गुचा रही है। तो अभी यही वाला मछली बनाना है, भैया गए हैं किसी काम से थोड़ा सा बाहर, तो अभी आएंगे तो हम और भाभी मिल के खाना पीना बनाएंगे। अभी मछली पहले बना लेंगे, देखिए इधर अदहन दे दिए हैं, यहाँ चावल भी डालना है अभी, उसके बाद फिर ये वाला बनाएंगे का। हम बना के आते हैं। हाँ चावल डालिएगा। हाँ ठीक है हम जा रहे हैं। हाँ फिर हमको पढ़ाई भी करना है, मछली का भरोसे नहीं रहना है। मछली तो सिर्फ खा के जाएंगे लेकिन दिमाग में रहेगा तब ना लिखेंगे। ठीक है तो बनाइए। हम जा रहे हैं धोने के लिए। बैठे वहीं पे चलिए बना के आइए। हाँ चढ़ते हैं अभी, ये सबको घुचाएंगे, सब काट देंगे, उसको घुचाएंगे, धो धा के आनेंगे अच्छा तरह से। चलिए आ गए पानी के सामने, देखिए पानी यहाँ भरा है, इसमें धोएंगे मछली को। ठंडा लगता है बहुत सका। इस तरह से घुचाते हैं चोया को, देखिए कितना मस्त घुच रहा है। इधर मछली चौवा गुचाते हैं और उधर देखे सोनम आ गए चावल चावल धोने के लिए। चावल भी धोना है, जल्दी से धो लेते हैं, यहीं पर पानी है ना। हाँ घर भी तो लेते गए थे। हाँ तो यहीं पर धो लेते हैं, यहीं पर अच्छे से धोआ जाएगा तो अच्छा बात है। पानी पानी है ये, अच्छा छूट रहा है। तो भाभी इधर चोया गुचाते हैं दोस्तों, तब तक हम चलते हैं चावल डाल के आते हैं जल्दी से। लाइट अच्छा आ रहे। देखिए आग कैसे एकदम जल रहा है, प्रकर गरा रहा है दम, लेकिन तो अभी भात मेरा बन गया दोस्तों और हम अभी ढार रहे हैं, और देखिए इधर से भाभी भी आ गई धो धा के मछली। पूरा धो गया। हाँ अच्छे से धो लिए, अच्छा तरह से धो लिए। देखिए कढ़ाई भी हम धो के रखे हुए थे तो अभी चढ़ा दिए। चलिए अब मछली फ्राई कीजिए।
तेल डालेंगे। फ्राई होने उतना दीजिए, फिर बचेगा तो उसी से फिर बनाइए। चलते हैं, अभी नमक दे देंगे मछली में। हल्दी नमक अच्छा तरह से मिला लेंगे। देखिए गंडोर बजाने लगा, मछली बनने का खुशी में गंडोर बजा रहा है। और थोड़ा सा हल्दी डालिए, नहीं इधर डालिए सामने में। अच्छा तरह से मिला लिए मछली को। देखिए अभी ताई में तेल भी गर्म हो गया, अब यहाँ दे देंगे मछली को। मछली एक साइड पक गया है, अभी इसको पलटा देंगे। पानी में पानी आ गया। मछली भुजा गया है, देखिए दोनों साइड उल्टा है, उल्टा पकाए हैं, देखिए लाल हो गया है, अभी इसको निकाल देंगे मछली को। दूसरा वो देने जा रहे हैं, देखिए यह मांस बन रहा है। देखिए मछली चिल्ला भी जा रहा है, देखिए परीक्षा है, मछली हो गया है। दूसरा भर देखिए पूरा लाल होकर भुजा गया है अच्छा तरह से, और इसको निकाल देंगे। देखिए निकाल रहे हैं मछली को। तो हम भी आ गए हैं दोस्तों, गए थे थोड़ा बाजार टाउन तरफ, तो उधर से आ गए हैं और अभी चूल्हा के सामने बैठे हुए हैं, आग तापते जा रहे हैं। और देखिए सरसों को साफ कर रहे हैं, ये देखिए पूरा अच्छा तरह से साफ कर दिए हैं। कुछ कुछ यहाँ पर कंकड़ पत्थर है, उस सबको साफ कर रहे हैं, इसे मैश मैश के पूरा साफ कर लिए। अब चलते हैं, बोला दे देते हैं कविता जी को पीसने के लिए। देखिए उधर अभी कविता जी मसाला पीस रहे हैं, उसी में डाल देंगे सरसों को, साथ में पीसा जाएगा। और इधर देखिए सोनम अभी लग गई है टमाटर काटने में, देखिए इतना सा काट लिए है, और एक दो को काटेगी तो हो जाएगा, है ना सोनम? चलते हैं फटाफट काटिए। तो फिर सरसों को निकाल लिए हैं दोस्तों, और इसको अच्छा तरह से साफ कर दिए हैं, कंकड़ पत्थर सब चून दिए हैं। अब चलते हैं फोरन देते हैं सरसों का। देखिए तेल भी गर्म हो ही गया है, मछली तले हुआ तेल है, देखिए पूरा एकदम फटफटा के फूट गया सरसों। और इसमें टमाटर डाल देंगे, डालिए जी, ढक दीजिए। अच्छा थोड़ा चला लीजिए चारों तरफ। अब इसमें नमक डाल देते हैं दोस्तों, जल्दी सीझेगा, है ना जी? डालिए, सब डाल दीजिए ना। ढकिए थाली से, तो टमाटर पूरा एकदम बढ़िया तरह से सीज गया है दोस्तों। देखिए पूरा एकदम चटनी जैसा बन गया, और एकदम झोर झोर लग रहा है एकदम देखने में। अब यहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं देना पड़ेगा, अब यहाँ पर मसाला डाल देते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा देंगे मसाला पानी, और हल्दी भी डाल देंगे। देखिए पूरा एकदम मसाला लटपटा गया,
पूरा टमाटर मसाला ही बन गया। देखिए कितना अच्छा खुशबू आ रहा है। अब हल्दी डाल देते हैं। बस हो जाएगा। तो तरी पूरा बढ़िया तरह से बन गया दोस्तों। ये देखिए टमाटर का झोर कितना मस्त बना हुआ है। अब इसी में डाल देंगे दोस्तों मछली को। देखिए फ्राई किया हुआ है एकदम, पूरा क्रंची है एकदम। इसको डाल देते हैं। वाह, ये बन रहा है हम लोग का मछली करी। ये देखिए स्पेशल फिश करी बन गया दोस्तों, सोनम की परीक्षा की खुशी में। ये देखिए इतना अच्छा बना हुआ है, पूरा एकदम गाढ़ा तरी हो गया और पूरा एकदम मिक्स हो गया मछली के साथ में। देखिए कितना अच्छा लग रहा है एकदम देखने में, और खुशबू भी काफ़ी अच्छा आ रहा है दोस्तों मछली का। पूरा अच्छा तरह से एकदम यहाँ पर घुस गया मछली के अंदर में मसाला। अब ये तैयार हो गया है, अब चलते इसको उतार देते हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों, इसको नीचे उतार देते हैं। एकदम पूरा मस्त बन गया हम लोग का मछली करी, पूरा गाढ़ा हो गया। हो गया तो सब चीज बनकर हम लोग का रेडी हो गया है दोस्तों। ये देखिए कितना फ्रेश भात बना हुआ है, एकदम गर्मा गर्म चावल है। और इधर देखिए ये रहा मछली करी, देखिए कितना टेस्टी बना हुआ है, काफी अच्छा खुशबू आ रहा है। अब चलते हैं लगाते हैं हम लोग खाना, है ना जी। हम इधर मछली लगाएंगे, इधर कविता जी चावल लगाएंगे। आज हम लोग का फिर पार्टी चल रहा है दोस्तों, सोनम का कल परीक्षा है, उसकी खुशी में पूरा एकदम पार्टी जम करके हो रहा है, मछली पार्टी, क्या जी। हाँ जी। इधर सोनम बैठी हुई है, अभी आग ताप रही है। चलो सोनम साइड में आ जाओ लाइन में। कर छोल दीजिए। अब निकालते हैं दोस्तों मछली करी। देखिए पूरा गाढ़ा हो गया, पूरा भाप निकल गया ना, तब पूरा टाइट हो गया, देखिए जम गया पूरा। चलिए तो हम लोग का मछली भात लग गया है दोस्तों, ये देखिए, और साथ में धनिया का चटनी भी लगा हुआ है, देखिए दे दिए हैं थाली में। आज एकदम पूरा जम करके पार्टी हो रहा है दोस्तों, सोनम की परीक्षा की खुशी में मछली पार्टी हो रहा है। अब हम लोग चलते हैं, सभी को खाते हैं, है ना जी। चलिए चलिए चलिए, जो जो वाला खाने सकिएगा पूरा उठाइए। चलिए सब कोई खाइए, आप मछली भात का आनंद लीजिए। तो अब हम लोग चलते हैं दोस्तों, मछली भात का आनंद लेते हैं। माँ और पिताजी तो पहले ही खाना खा लिए हैं, वो लोग नहीं खाते हैं मटन मछली चिकन ये सब कुछ नहीं खाते हैं, इसीलिए वो लोग पहले ही खाना खा लिए हैं। तो अब चलते हैं हम लोग खाते हैं। देखिए क्या ही मस्त तरी बना हुआ है दोस्तों, पूरा एकदम गढ़ा गढ़ा तरी बना हुआ है। पूरा मछली के साथ में मिक्स हो गया पूरा तरी।
तो हम लोग सभी को खाना पीना खा लिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं आराम करने के लिए। कल सुबह जल्दी उठना पड़ेगा क्योंकि सोनम का कल परीक्षा है, तो उसको परीक्षा लिखवाने के लिए चलेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं, अपना अपना जगह पे आराम करते हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पर रखते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।